नमस्कार, मैं शालिनी। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की आरक्षण पॉलिटिक्स विवादों में है। अमेरिका में राहुल के आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी और बसपा सीधे हमलावर हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है और राहुल के बयान से उसकी सच्चाई सामने आ गई है। बसपा प्रमुख मायावती लगातार कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठा रही है। मायावती ने यहां तक आशंका जताई कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आरक्षण को समाप्त कर देगी। फिलहाल जाति आधारित जनगणना की मांग उठाने वाली कांग्रेस इस पूरे विवाद में चौतरफ घिर गई है। आइए समझते हैं कि बसपा प्रमुख मायावती अचानक क्यों आरक्षण के विवाद पर एक्टिव हुई। पहले जान लीजिए कि अमेरिका में राहुल गांधी ने क्या कहा है। दरअसल राहुल गांधी दो दिन पहले अमेरिका की जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को संबोधित करने पहुंचे। यहां स्टूडेंट्स ने जब राहुल से भारत में रिजर्वेशन को लेकर सवाल किया और यह पूछा कि ये कब तक जारी रहेगा, इस पर राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस पार्टी आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब भारत भेदभाव रहित होगी और आरक्षण के लिहाज से निष्पक्षता होगी। अभी ऐसा नहीं है। राहुल का कहना था कि समस्या यह है कि भारत की 90% आबादी भागीदारी करने में सक्षम नहीं है, हम बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं, यही समस्या है। ऐसे कई लोग हैं जो उच्च जाति से हैं, जो कहते हैं कि हमने क्या गलत किया है, हमें क्यों दंडित किया जा रहा है। तो फिर आप इनमें से कुछ चीजों की आपूर्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि के बारे में सोचते हैं, आप सत्ता के विकेंद्रीकरण के बारे में भी सोचते हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर विवाद बढ़ गया। सबसे ज्यादा आक्रामक बसपा प्रमुख मायावती को देखा गया। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट करके राहुल गांधी और कांग्रेस को निशाना बनाया। मायावती ने कहा लंबे समय तक केंद्र की सत्ता में रहते हुए कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया, देश में जातिगत आधार पर जनगणना नहीं होने दी और अब यह पार्टी इसकी आड़ में सत्ता में आने का सपना देख रही है। इसके नाटक से सचेत रहें, जो आगे भी कभी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। इनके द्वारा देश में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने की बात भी छलावा है, क्योंकि इस मामले में अगर इनकी नीयत साफ होती तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों में यह कार्य जरूर कर लिया गया होता। कांग्रेस ने ना तो ओबीसी आरक्षण लागू किया और ना ही SC ST आरक्षण को सही से लागू किया। विवाद बढ़ा तो राहुल गांधी की तरफ से सफाई आई। Washington DC में राहुल ने कहा मेरे बयान को गलत तरीके से दिखाया गया, हम जो कह रहे हैं वो सिर्फ आरक्षण के विचार से अलग है, जो चल रहा है हम उसकी व्यापक समझ चाहते हैं और फिर इसे ठीक करने के लिए नीतियों की एक सीरीज लागू करना चाहते हैं, आरक्षण भी उनमें से एक है। हम आरक्षण को 50% से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मैं बार बार ये कहता रहा हूँ और कभी भी आरक्षण के खिलाफ नहीं रहा हूँ। कल किसी ने मेरे बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ। हम चाहते हैं कि आरक्षण 50% हो। मायावती ने आगे कहा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अब यह सफाई कि वे आरक्षण के विरुद्ध नहीं है स्पष्ट गुमराह करने वाली गलत बयानी है। केंद्र में बीजेपी से पहले इनकी 10 साल सरकार रही है। इन्होंने सपा के साथ मिलकर SC ST का पदोन्नति में आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। इसका यह प्रमाण है, इससे स्पष्ट है कि जब कांग्रेस सत्ता में नहीं होती है तो इन उपेक्षित SC ST OBC वर्गों के वोट के स्वार्थ की खातिर इनके हित और कल्याण की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब सत्ता में रहती है तो इनके हित के विरुद्ध लगातार कार्य करती है। ये लोग इनके इस षड्यंत्र से सजग रहें। मायावती ने मंगलवार को भी आरक्षण को लेकर राहुल गांधी को घेरा था। मायावती ने एक्स पर लिखा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस नाटक से भी सचेत रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC ST और OBC आरक्षण समाप्त कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। इन वर्गों के लोग राहुल गांधी के इस घातक बयान से सावधान रहें, क्योंकि ये पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। ये लोग संविधान और आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सजग रहे। ऐसे में मायावती का कहना था कि जबकि सच्चाई में कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण विरोधी सोच की रही है,
केंद्र में रही इनकी सरकार में जब इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया, तब इस पार्टी से इनको इंसाफ न मिलने की वजह से ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लोग सावधान रहे, कुल मिलाकर जब तक देश में जातिवाद जड़ से खत्म नहीं हो जाता है तब तक भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होने के बावजूद भी इन वर्गों की सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक हालत बेहतर होने वाली नहीं है। अंततः जातिवाद के समूल नष्ट होने तक आरक्षण की सही संवैधानिक व्यवस्था जारी रहना जरूरी है। लोकसभा चुनाव प्रचार में जब बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया तो कांग्रेस ने काउंटर अटैक के लिए संविधान को हथियार बनाकर पेश किया और यह नैरेटिव सेट कर दिया कि बीजेपी 400 पार की बात इसलिए कर रही है क्योंकि वो संविधान बदलने की कोशिश में लगी है। आम चुनाव में प्रचार से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में राहुल अपने हाथों में संविधान की किताब लिए देखे गए। इस नैरेटिव का असर यह हुआ कि बीजेपी का बड़ा नुकसान झेलना पड़ा और पार्टी अपने दम पर पूर्ण बहुमत भी हासिल नहीं कर सकी, जबकि राहुल गांधी और उनके सहयोगी गठबंधनों को इसका सीधा फायदा पहुंचा। फिलहाल राहुल के आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर अब वही काम बीजेपी और बीएसपी जैसी पार्टियां कांग्रेस के साथ कर रही है। हरियाणा में चुनाव है, बसपा यहाँ इंडिया नेशनल लोकदल के साथ मैदान में है। इस गठबंधन को चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी से कड़ी टक्कर मिल रही है। बसपा का आधार एससी एसटी वोटर्स है। आम चुनाव में यह वोटर्स इंडिया ब्लॉक में शिफ्ट होते देखे गए हैं। ऐसे पार्टी के सामने चुनौती है कि अपने कोर वोटर्स को वापस पाला में लाया जाए और उनके हक की लड़ाई में आगे दिखा जाए। इनेलो 53 सीटों पर और बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है जिसमें सभी एससी आरक्षण सीटें शामिल हैं। दूसरी ओर जेजेपी 70 सीटों पर और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हरियाणा में बसपा का प्रभाव कम हो रहा है। यूपी में पहले ही लगातार झटके लग रहे हैं। हरियाणा में बसपा का कुल वोट शेयर देखा जाए तो 2009 में 6.7% था जो 2019 में घटकर 4.2% रह गया है। कांग्रेस यहाँ जाटों दलितों और मुसलमानों का एक सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बसपा एससी वोटर्स के विभाजन की आशंका में अलर्ट देखी जा रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की आबादी में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी 20.2% है। विधानसभा में इस समुदाय के लिए 17 आरक्षण सीटें हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की आबादी 22.5% और शहरी क्षेत्रों में 15.8% है। जानकार कहते हैं कि मायावती अपनी पार्टी के मुख्य धारा में बने रहने के लिए आरक्षण के मुद्दे पर सक्रिय देखी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में दलित वोट बैंक को बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि बसपा खुद को अनुसूचित जातियों जनजातियों और पिछड़ों के अधिकारों की प्रमुख पैरोकार पार्टी के रूप में पेश करे। राहुल गांधी के बयान के बाद मायावती का पलटवार करना इस बात का संकेत दे रहा है कि वो कांग्रेस से अपने को अलग दिखाना चाहती है। चूंकि कांग्रेस और बसपा दोनों पार्टियों ने अनुसूचित जातियों जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की पुरजोर वकालत करते देखे गए हैं, मायावती ने सक्रिय होकर यह संदेश दिया है कि उनकी पार्टी अब भी आरक्षण और दलित राजनीति के लिए प्रतिबद्ध है। इससे वह कांग्रेस को इस मुद्दे पर अकेला नहीं छोड़ना चाहती। राजनीति में सक्रिय रहना मायावती की जरूरत है, खासकर तब जब कई क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव घटता जा रहा है। ऐसे में आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सक्रिय रहकर वो अपनी पार्टी की प्रासंगिकता बनाए रखने का प्रयास कर रही हैं। अब जिस तरीके से मायावती सीधे तौर पर राहुल गांधी के आरक्षण के बयान पर कांग्रेस को घेरती नजर आ रही, क्या इसका फायदा मायावती उठा पाएंगी या नहीं? फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।